नमस्कार, मैं लक्ष्य पंचोली। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको देसी घी निकालने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। घी मैंने लिए है मलाई, जो कि 1 वीक की मलाई है, थोड़ा सा कम है डोंगे में। इसको मैंने सुबह ही बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि सर्दी चल रही है, सर्दी में फ्रिज में मलाई जम जाती है। दूध का भगोना इसे हम खाली कर लेंगे, क्योंकि फिर हम मलाई से हम पलट कर इसी को यूज़ कर लेंगे। ज़्यादा बर्तन क्यों गंदे करना सर्दियों में वो भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है ब्लेंडर और ये हमारी मलाई। आज मैं ब्लेंडर की हेल्प से मलाई निकालूंगी, जो कि जल्दी निकल आई थी। ब्लेंडर की हेल्प से आप मलाई को जल्दी निकाल सकते हो। हाथ से चलाओ, चलाने में टाइम लगता है और सर्दियाँ भी हो रही हैं, तो ठंड तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती। तो बेटर है कि ब्लेंडर का ही यूज़ किया जाए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा। 5 से 10 मिनट चलाने के बाद इस तरह से आपकी मलाई गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसको आराम से ब्लेंडर को बंद कर दीजिए। अब इसे टाइटली चलाइए, थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा इसको अच्छे से आके, इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। और साथ ही इसमें से दूध निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसमें दूध लगाया जाता है। दूध, मठा या फिर पानी, आप जो भी बोल रहे हैं, वह ऐसे लगा जाता है, जो कि इस तरह से निकल जाता है। और ये बनकर हमारी मलाई तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, हार्डली मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे पूरी मलाई निकालने में। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, 5 मिनट नहीं लगे होंगे मुझे। और हमारी मलाई बनकर तैयार हो गई। इसमें जो भी ये दूध निकलता है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसमें आप तड़का लगाकर इसका रायता बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा मीठापन रहता है इसके अंदर, तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं चीनी डालकर या गुड़ के साथ। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा होता है ये। अब हम इस मलाई को पूरा इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हम इसे किसी डोंगे में करेंगे, थोड़ा हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम इसे डोंगे में ट्रांसफ़र कर लेंगे, पानी से 1 या 2 बार अच्छी तरह धो लेंगे, जिससे इसका जो भी है पानी वो सारा निकल जाए। अब हम इसे कढ़ाई में रखेंगे। गैस में रखने के बाद अब आप इसे मीडियम गैस पर चलाते हुए पकाएं, जो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, इस तरह से पकना स्टार्ट हो जाए। फिर चलाते रहिएगा धीरे धीरे ताकि लगे ना, क्योंकि बहुत जल्दी ही कढ़ाई से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। और इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद आप गैस को थोड़ा सिम कर दें इस तरह से, और सिम करने के बाद फिर से इसे चलाना स्टार्ट करें। अब ये बाहर तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ, चलाते रहिए थोड़ा थोड़ा बीच में, ताकि साइड से लगे ना जले ना। जलने के बाद घी पूरा ख़राब हो जाता है, तो इस तरह से घी आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। अब देखो इसमें से पकना स्टार्ट हो गया है, आपको इसमें घी भी दिखना स्टार्ट हो गया होगा। इसी तरह चलाते रहिए। कुछ देर चलाने के बाद 5 या 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, क्योंकि आप हल्की आँच पर पकाते हैं इसीलिए। और इसको पकने के बाद इस तरह से हमारा घी बिल्कुल पक चुका है। बहुत लाल ला करें, लाल करने से घी की महक आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हर कोई पसंद नहीं करता। अब मैं इसे सबसे पहले अपने पूजा वाले जो मंदिर का पूजा का डब्बा है उसमें घी निकालूंगी। उसके बाद जो भी घी बच्चे का हमारा वो हम खाने वाले डब्बे में यूज़ कर लेंगे। तो इसे अच्छे से छन्नी से छान लीजिए। घी में हल्का सा येलोपन इसलिए है क्योंकि मेरा जो दूध है वो गाय का दूध होता है, क्योंकि मेरे पास मेरे तो बच्चे हैं, अभी मैं गाय का दूध पीना पसंद करती हूँ, इसीलिए घी बहुत ही दानेदार रहता है। अच्छे से इसे छान लीजिए। अब घी तो कम भर गया, अब हम दूसरा डब्बा भरेंगे, जो कि मेरा डेली खाने का दूध घी है। उसमें मैं अच्छे से घी छान लूँगी। कढ़ाई पूरी खाली हो चुकी है और ये घी इतना सा बचा है, आधे से कुछ कम है, चल जाएगा। 1 हफ्ते बाद फिर से घी निकाल दूँगी। ये मेरा मंदिर का और ये मेरे डेली यूज़ का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।